So, hello students. In today's experiment, we will learn to perform the evaluation of antipsychotic drug using Cook's pole climbing apparatus. So, here is the equipment. This equipment involves, this is made up of a grid floor. Here you will place your animal which you are using for the experiment. Basically, we use the rat. And this in this grid floor, we can pass a sock. And to escape from this sock, this animal will try to climb in this wooden pole which is situated in the center of this equipment, right? And this equipment also has a buzzer. So let us learn how the step by step we will proceed this experiment. So animal were kept on the grid floor for pole climbing apparatus, right? Training of the animal is conducted. First aapko train kar dene hai animal ko taki wo pole mein kis tarike se climb chadh jate hain. Buzzer is pressed, conditioned stimulus. कंडीशन स्टिमुलस बजर आपको प्रेस करना है. देन आफ्टर 20 सेकंड बजर प्रेस करने के बाद यू हैव टू पास अ 20 वोल्ट करंट, राइट, डिलीवर्ड ऑफ 20 वोल्ट शॉक. द एनिमल्स वर ट्रेन टू क्लाइम टू द पोल टू अवॉइड द शॉक. जैसे ही बजर बजता है, अगर एनिमल ट्रेन होंगे तो वो करंट, बजर बजते ही, चूंकि उसको 20 सेकंड के बाद आप शॉक देते हैं, तो बजर बजते ही वो किस पे क्लाइम कर जाएंगे, पोल, उस पर वुडन पोल पे, राइट. सो ऐसे एनिमल को आपको क्या कर लेना है, सच एनिमल्स वे विच क्लाइम द पोल विद इन 1 to 5 सेकेंड आफ्टर प्रेसिंग द बजर वर चूजन फॉर दिस पोल क्लाइंबिंग स्टडी, राइट. नाउ दिस एंटीसाइकोटिक ड्रग आपको दे देनी है और टेस्ट करना है रैट को कि क्या वो पोल क्लाइंबिंग एपरेटस में बजर बजाने के बाद जस्ट इमीडिएट वो पोल उस पर वुडन पोल पे चढ़ता है या नहीं, इस वुडन पोल पे चढ़ता है कि नहीं. तो थ्योरेटिकली इस चीज को हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो आप इसमें सॉफ्टवेयर में कोई दम है नहीं, आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे. लाइक एक्सपेरिमेंट में मैं अभी करके दिखाता हूं. देखिए एक्सपेरिमेंट आपको किस तरीके से करना है. दिस इज ट्रेनिंग सेशन. ट्रेनिंग सेशन में आपको ट्रेन करना है कि ये एनिमल में जैसे हम करंट पास करेंगे तो ये इस पोल पे चढ़ जाए. तो ट्रेनिंग सेशन में हमने क्लिक किया. अब नाउ वी हैव टू ऑप्शन. फर्स्ट वी नीड टू प्रेस द बजर, राइट. आपका बजर प्रेस हुआ. And now as we press the buzzer after 20 second we have to pass the current in this grid floor, right, this grid floor. So abhi ye rat animal ko kya laga, current, aur ye kahan pe chadh gaya, pole pe, right. Ab ye aapne is animal ko is tarike se aapne animal ko apne trained kar lene hain. Jo animal 1 se 5 second ke andar is pole pe chadh jate hain unko apna pole climbing antipsychotic drug ke effect ke liye usko select kar lena hai further. तो अब ट्रेंड माइस हम देखते हैं. ट्रेंड माइस हमारा क्या है, जैसे ही हम बजर प्रेस करेंगे तो यहां पे करंट पास करने की जरूरत नहीं है, ये बजर को सुनते ही, मींस कंडीशनड अलार्म को सुनते ही ये कहां पे चढ़ जाएगा, इस पोल पे. इसको देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड चढ़ गया तो करंट पास करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी. तो अभी हम क्या करते हैं, लेट अस स्टार्ट अवर एक्सपेरिमेंट. सो वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ रैट्स. वन इज कंट्रोल ग्रुप, अनदर इज एंटीसाइकोटिक ड्रग ट्रीटेड ग्रुप. तो कंट्रोल ग्रुप मींस जो भी आपका कंट्रोल ग्रुप होगा उसमें आप व्हीकल देते हैं. व्हीकल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है. व्हीकल हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें हमारी जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग हम ले रहे हैं वो जिसमें डिजॉल्व होगी उसको हम कंट्रोल ग्रुप में देते हैं. उसका अपना कोई व्हीकल का इफेक्ट नहीं होता. तो कंट्रोल ग्रुप में मैं अभी क्लिक करता हूं. तो कंट्रोल ग्रुप में जैसे हमने क्या किया, अभी इसमें कोई नॉर्मल एनिमल है, इस पे हमने क्या किया, बजर प्रेस किया. ये ट्रेंड एनिमल है, राइट. जैसे हमने बजर प्रेस किया, बजर प्रेस करते ही पोल पे चढ़ गया. क्योंकि ये ट्रेंड एनिमल था, इसको स्टडी में हमने ट्रेंड स्टडी में ऑलरेडी हमने एनिमल को ट्रेंड किया हुआ था, तो ये चढ़ गया. अब उन एनिमल्स को जिस पे हम एंटीसाइकोटिक ड्रग दे रखे, देखिए अब मेन जो पॉइंट है जो इस एक्सपेरिमेंट से बच्चे को थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना चाहिए, वो ये है कि इस अगर मैं एंटीसाइकोटिक ड्रग को प्रेस करता हूं, उस ड्रग को क्लिक करता हूं जो एंटीसाइकोटिक ड्रग जिसके अंदर है, तो क्या वो तुरंत बजर प्रेस होते ही इस पे चढ़ जाएगा या नहीं. तो देखिए थ्योरेटिकली आप इस बात को समझते हैं कि जैसे ही मैं बजर प्रेस करूंगा ये एनिमल इस पे नहीं जाएगा. और उसका रीजन ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं गया, क्योंकि दीज एनिमल्स आर अंडर एंटीसाइकोटिक ड्रग ट्रीटमेंट. तो अभी ऐसा क्यों हुआ एंटीसाइकोटिक ड्रग देने से, देखिए द प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट इज इनिशिएटेड फ्रॉम द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वर्ड द इनिशिएशन ऑफ द वर्क ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इनिशिएटेड फ्रॉम द डोपामिन एंड द डोपामिन इज
inhibited by dopamine is blocked by dopaminergic receptor is blocked by antipsychotic drug. तो जब आप डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल था मोटिवेशन के किसको प्लानिंग ऑफ द मोटिवेशन के लिए जिस जो इसको प्लान करता था कि बजर के बाद तुरंत यहां पे जाना है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा था लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम वर्क कैसे करता है फ्रॉम द डोपामिन रिलीज. अब जिन ग्रुप में एंटीसाइकोटिक ड्रग दे रखी है उनमें आपने डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके रखा इट मींस अब कोई प्लानिंग इसकी अवॉइडेंस रिस्पॉन्स इसका करंट से नहीं डेवलप होगा क्योंकि लिम्बिक सिस्टम में डोपामिन की एक्टिविटी अब आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपने उनके रिसेप्टर को एंटीसाइकोटिक ड्रग देके क्या कर रखा है ब्लॉक करके रखा है. तो अब लेट्स सी अब आपने एंटीसाइकोटिक ड्रग में बजर दिया तो अभी ये नहीं जा अभी देखिए नहीं जब करंट आप पास करेंगे तब ये कहां गया ये ऊपर गया. तो आपने ये देखा कि द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स विच आर अंडर एंटीसाइकोटिक ड्रग ग्रुप इज डिलेज इन क्लाइंबिंग दिस पोल जस्ट बिकॉज दिस इज कंडीशन अवॉइडेंस रिस्पॉन्स. मतलब ऑल एंटीसाइकोटिक ड्रग कैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है कंडीशन अवॉइडेंस रिस्पॉन्स. मतलब उस बजर को उसने क्या किया अवॉइड किया. तो अभी आप ऑब्जर्वेशन टेबल पे जैसे हम जाते हैं देखिए कंट्रोल ग्रुप रिस्पॉन्स ऑफ बजर इसका पॉजिटिव था रिस्पॉन्स ऑन करेंट इस पर पॉजिटिव था लर्निंग के बाद दोनों पॉजिटिव था राइट. एंटीसाइकोटिक ड्रग में रेस्पॉन्स करंट देने पे तो चढ़ गया लेकिन क्या बजर प्रेस करने के बाद चढ़ा नो रिस्पॉन्स. तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड अप टू नाउ वी हैव कंक्लूडेड द एनिमल्स ट्रीटेड विद द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स डू नॉट शो कंडीशनड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स टू बजर. तो अभी ये कंडीशन अवॉइडेंस रिस्पॉन्स क्या होता है कि आप किसी भी चीज के मतलब करंट पास होने के लिए जो हटने की प्लानिंग थी जो इनिशिएशन था वो किससे था आपका लिम्बिक सिस्टम से जिसको डोपामिन मेनली इनिशिएट करने में कंट्रोल कर रहा था. तो डोपामिन को आपने एंटीसाइकोटिक ड्रग दे के क्या कर दिया उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया. तो आपका जो प्लानिंग वाला मूवमेंट था मूवमेंट ऑफ प्लानिंग वो नहीं हो पाई और कंडीशन अवॉइडेंट रिस्पॉन्स सो नहीं हुआ इन द ग्रुप वेयर यू ट्रीटेड द एंटीसाइकोटिक ड्रग. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट. थैंक यू वेरी मच.